एक समय ऐसा भी था जब धरती पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मानव प्रजातियां एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनमें से केवल एक ही बची, होमो सापियंस यानी कि हम। आखिर हमने कैसे अपने प्राचीन रिश्तेदारों जैसे नियंडरथल्स और डेनिसोवांस को पीछे छोड़ दिया? ऐसा क्या था हमारे पास जो उन्हें नहीं मिला? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी प्रजाति ने कैसे इस धरती पर अपना राज जमाया। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इनक्रेडिबल ट्यूब में, जहां हम आपको दुनिया के ऐसे तथ्यों से रूबरू कराते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम एक बेहद दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं कि आखिर कैसे होमो सापियंस ने अन्य सभी मानव प्रजातियों को विकास के क्रम में पीछे छोड़ दिया और पृथ्वी पर इकलौते मानव प्रजाति के रूप में जीवित बचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के एक रोमांचक यात्रा में। होमो सापियंस अपने करीबी रिश्तेदारों से अधिक विकसित होने का पहला कारण है हमारे दिमाग की अनोखी क्षमता। होमो सापियंस का दिमाग बाकी प्रजातियों से ज्यादा विकसित था, जिससे हम बेहतर सोच सकते थे, योजना बना सकते थे। लेकिन अच्छे विचारों का क्या फायदा अगर आप उन्हें दूसरों के साथ शेयर ही नहीं कर सकते? इसी वजह से होमो सापियंस ने भाषा में महारत हासिल की। हम जटिल विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे, कहानियां सुना सकते थे और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकते थे। यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं था, बल्कि एक साथ फलने फूलने और एक दूसरे से जीवन जीने की तकनीक सीखने के बारे में था। सामाजिकता के बिना हमारा विकास अधूरा होता। होमो सापियंस ने बड़े और मजबूत सामाजिक समूह बनाए, जिससे वे शिकार, भोजन इकट्ठा करने और अपनी रक्षा के लिए एकजुट होकर काम कर सकते थे। उनका सामाजिक नेटवर्क और भी बड़ा और मजबूत था, जिसने उन्हें अन्य प्रजातियों से आगे कर दिया। अब बात करते हैं हमारे इनोवेशन की। होमो सापियंस ने उन्नत उपकरण और हथियार बनाए और उन्होंने आग को काबू में कर खाना पकाने का तरीका भी सीखा। इन तकनीकी विकासों ने हमें हमारे वातावरण पर नियंत्रण दिया, जिससे हम जीवित रह सके और फल फूल सके। एडेप्टेबिलिटी भी हमारी बड़ी ताकत थी। अन्य प्रजातियों के विपरीत हम सिर्फ एक तरह के वातावरण में नहीं बल्कि हर जगह जीवित रह सकते थे। चाहे वो गर्म रेगिस्तान हो या ठंडे बर्फीले इलाके, होमो सापियंस ने अपने दिमाग, उपकरण और सामाजिक संबंधों का उपयोग करके हर परिस्थिति में खुद को ढाल लिया। हम खोजकर्ता भी थे जो नए नए इलाकों में बसने जाते थे। और ये भी जानना दिलचस्प है कि हमने अपने प्राचीन रिश्तेदारों के साथ केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं की, बल्कि कभी कभी उनके साथ घुलमिल भी गए। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि होमो सापियंस ने नियंदरथल्स और डेनिसोवांस के साथ मेटिंग से हाइब्रिड भी पैदा किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अन्य प्रजातियां पीछे छूटती गई। हमारे उन्नत ज्ञान, सामाजिक संगठन और एडेप्टेबिलिटी ने हमें अन्य मानव प्रजातियों से आगे कर दिया। साथ ही एनवायरमेंटल चेंजेस भी थे, जिनसे अन्य प्रजातियां खुद को ढाल नहीं पाई और धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त हो गए। आखिरकार हमारे बुद्धि, इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी के अद्वितीय मिश्रण ने होमो सापियंस को इस धरती पर जीत दिलाई। हमने न केवल जीवित रहकर बल्कि नई नई जगहों की खोज कर और नए आविष्कार कर इस धरती पर अपनी जगह बनाई। यही कारण है कि आज हम यहाँ हैं। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो याद रखें, आप लाखों साल के विकास, अनगिनत चुनौतियों और एक ऐसी प्रजाति का परिणाम है जिसने कभी हार नहीं मानी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द इनक्रेडिबल ट्यूब पर और भी ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।